हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, उसके पास बहुत धन था, बहुत पैसा था और उसे इस बात पर घमंड भी था कि वो एक अमीर आदमी है, उसके पास बहुत सारा धन है। एक बार किसी कारण से उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। आंखों में इन्फेक्शन होने के कारण बहुत ही बुरी तरह से जलन पड़ती है और वो डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। तो उस आदमी के पास पैसे की कमी तो थी नहीं, तो उसने सोचा कि इस देश के डॉक्टर तो बेकार हैं, मैं विदेश से ही डॉक्टर बुला लेता हूँ। तो उसने देश विदेश से बहुत सारे हकीम डॉक्टर बुलाए। एक बड़े डॉक्टर ने उस अमीर आदमी को बताया कि आपकी आंखों में एलर्जी है, आपको कुछ दिन तक सिर्फ हरा रंग ही देखना होगा और कोई रंग देखेंगे तो आपकी आंखों को परेशानी होगी, इसलिए आप कोशिश करें कि आप हरा रंग ही देखें। इसके बाद क्या था, सेठ ने बड़े बड़े पेंटरों को बुलाया और पूरे महल को हरे रंग से रंगने के लिए कहा, क्योंकि डॉक्टर ने उसे हरे रंग के अलावा कोई और रंग देखने को मना कर दिया था। तो उस सेठ ने वो पुताई करने वालों को बुलाया था, उन लोगों से कहा कि मैं जहाँ जहाँ से भी गुजरूँ उस जगह को हरे रंग से रंग दो, ताकि मैं हरे रंग के अलावा और कोई रंग ना देखूं। इस काम में बहुत पैसा खर्च होने वाला था, लेकिन फिर भी सेठ की नज़र किसी अलग रंग पर पड़ गई, क्योंकि पूरे नगर को तो हरे रंग से रंगना संभव नहीं था। सेठ आए दिन पेंट कराता रहता था, क्योंकि वो सोचता था कि मैं जहाँ से भी निकलूं वहाँ से हरा रंग ही दिखना चाहिए, तो इसलिए वो हरे रंग का पेंट जगह जगह पर कराता रहता था। वहीं से एक सज्जन पुरुष गुजर रहा था, उसने चारों तरफ हरा रंग देखकर लोगों से उसका कारण पूछा और सारी बात सुनकर वो सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी आपको इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास आपकी परेशानी का एक छोटा सा हल है, आप हरा चश्मा क्यों नहीं खरीद लेते, फिर सब कुछ हरा हो जाएगा। तो सेठ की आंखें खुली की खुली रह गईं, उसके दिमाग में ये शानदार विचार आया ही नहीं और वो बेकार में इतना पैसा खर्च किए जा रहा था। तो दोस्तों, जीवन में हमारी सोच और देखने के नज़रिए पर भी बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। कई बार परेशानी का हल बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन हम परेशानी में फंसे रहते हैं और वहाँ तक हमारी सोच नहीं पहुँच पाती है। तो दोस्तों, इसे कहते हैं सोच का फ़र्क। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।